एक तो जो मेघनाथ ने पॉइंट रेस किया था कि एक ड्रेसिंग का लेकिन करे कपड़े तो वैसे है या वैसे हैं तो ये करीब इसमें मैंने भी अपने दोस्तों डिस्कशन कर रखे तो इसमें मेरे दो पॉइंट है यार हमें दिखता तो वैसे भी था एवरी स्कूल इन इंडिया ड्रेसिंग कोड उसके अंदर

हाँ, अब इसका आ, विमो आई सीरियसली मेरे पास कोई डिग्री नहीं है नापने के लिए कि किसमें ज्यादा दिखेगा किसमें कम दिखेगा बट लॉजिकली लॉजिकली अगर आप सोचोगे hmm. लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो एक यूनिफॉर्म है और एक कैजुअल क्लोज है राइट तो विच विल यू नो हाइड द इन आउट शर्ट इज अन आउट शर्ट

मेरे भी क्लास में कुछ लोग थे जिनका ऑफ वाइट शर्ट था वो हैंड डाउन ही था मुझे पता था राइट आई मीन यू कुड सी इट एट द सेम टाइम इन योर हेड राइट इन योर हेड यू हैव दिस कि नो आई आई मीन है स्कूल आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ एबल टू डिफरेंशिएट दैट वेर राइट बिटवीन आर इकोनॉमिक स्टेटस इवन कास्ट फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कास्ट इज अग रियालिटी देयर राइट टू हाइड कास्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Right, um, which which is actually um, a, a legit way to do things in an educational institution. Um, yeah. I I, I totally accept. And uh, let me tell you, I belong to a scheduled caste category. Or my by That's a big pro uh, That's Usko a big point. Hain 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 the point hain hain. The is, also Absolutely. Okay, but I think please. if I if I, I can, can just cheese. if because, I can interrupt uh, and make one point. इट इज़ दैट हम लोग स्कूल में बच्चों को सिर्फ ये इसलिए नहीं भेजते क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जानने की दुनिया है क्या हम लोग उनको ये भी बताते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए hmm. अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पे उसको यूनिफॉर्म्ड बच्चे मिलते हैं तो बच्चे की माइंड में एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसा लाइक कि हम अजीब गरीब कपड़े पहन के स्कूल क्यों आ रहे हैं सो so उसका जवाब उसको मिला है कि हमें इक्वल दिखाने की कोशिश की जा रही है और उससे बच्चे को कम से कम ये पता चलेगा कि हमें इक्वल दिखना चाहिए हमें इक्वल होना चाहिए सो so, बच्चों को अपनी मर्जी के कपड़े पहन के स्कूल आने देना वंडरफुल आइडिया बट जब एक बच्चा स्कूल जाता है और देखता है कि हर कोई कपड़े पहन रहा है अपने फाइनेंशियल या अपने कास्ट या अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से और साफ साफ पता चल रहा है कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है तो बच्चे को लगेगा कि ये जो डिस्टिंगशंस हैं ये ए नेचुरल हैं और बी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब हम बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहते हैं मैंडेटरी बनाते हैं हम बच्चों को एक मैसेज भी दे रहे होते हैं कि या, वो एक परिवार से, तो एक परिवार परिवार से से तो उसके कपड़े देख के शायद कुछ पता चल रहा है शायद तेरे कपड़े पे देख के कुछ पता चल रहा है पर पता चलना नहीं चाहिए सो दैट आई थिंक हमारे यू कुड एक्चुअली वेयर कलरफुल स्कूल इज अ गुड प्लेस फॉर इट आई टोटली अग्री जब आपको एक बेंच पर बैठ के आपको सेम एजुकेशन मिल रही है लेकिन जब बच्चा स्कूल से बाहर आता है वो डिस्टिंगशन खत्म हो जाती है ना तो डोंट यू थिंक दैट इज कंफ्यूजिंग द मोर नो इट इज नॉट इज आप यू आर को दो तरह की एक दुनिया स्कूल के अंदर है जहाँ पे वो देखता है कि यार ये तो सारे बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है वो बच्चा जब स्कूल के बाहर जाता है कॉलेज जाएगा अपनी किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा अपने किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन तो... करेगा वहां पर जाके वो डिस्टिंगशन खत्म हो जाएगा तो बट एट टाइम एट दैट से

The first school आ, I went to was like fancy कोई भी बच्चा खेल के मैदान में सबको देख के मतलब कुछ ऑब्वियसली इंप्रेशन क्रिएट करेगा पर उसके माइंड में एक डिस्टिंक्शन होता है की ये स्कूल है और ये स्कूल के बाहर की दुनिया है और स्कूल में मैं जाता हूँ सीखने के लिए मुझे की मुझे कैसे एग्जिस्ट करना है सो आई वैट हेल्प

उसका पेज सेवन देख लेना उसमें terrible it is and how we need to all be equal, etc, etc, you know, like civics book, typical school me padhate hai, CBSC me, right? Um, Other kind if you of look quality. at recognizing dignity, like all the equality, right, you know, social, no, 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 no. cultural, right. So basically, mera point, larger point ye tha is mein, ki in this chapter, what they teach us is how it should be how ideally our society should function. Everybody should have a right to vote. everybody should have equal rights uh, nobody should be discriminated against based on caste religion whatever their identifiers are etc right that is what our civics book 7th class mein 12 saal ke bacche ko padha raha hai right now think about it this way when they grow up how likely is it that they will if they are from an upper caste you know a lot of people who are who are basically saying ki reservation ganda hai you know right. why is it there All of the things, right? तो ये जो सातवीं कक्षा में पढ़ाया गया था कि you know why reservation is important, पूरा historical context दिया था, सब कुछ दिया था, वो तो भूल जाते हैं ना लोग। वो घंटा फर्क नहीं पड़ा ना आजका तो? That's what I'm saying. So in in a way, what what a school is supposed to do, and they do it with uniforms, they do it with education, is that they are trying to say that, oh look, this is how an ideal society should be, where we are all equal, teacher will treat us all well. एवरीबडी सबको उसी का डब्बा मिलेगा एक सबको एक ही टाइप का लड्डू मिलेगा दूसरे को लड्डू नहीं मिलेगा राइट इज ट्राइंग टू टेल यू राइट एट दिगिनिंग राइट इन इंडिया एटलीस्ट दैट इज लाइक बेसिकलीक्यूलर नोशन ऑफ एजुकेशन इज वॉट यू आर गेटिंग राइट एंड इक्वल नोशन ऑफ एजुकेशन इज वॉट यू आर सपोज टू गेट इज इन दैटली इंप्लीमेंट नहीं होना

Hmm. He said that equality is not giving two people equal amount of things, it is giving one person more than the other who has not been given a particular hmm. yeah. benefit for a past, hmm. uh, for it's a last year 100 yeah. years, right? Right, right, right. It's about, no I, I won't take your much time.